नमस्कार। चलिए क्लास में बैठ के खेले जाने वाले एक खेल की कल्पना करते हैं। आपकी कक्षा इस समय ऊपर से कुछ ऐसी दिख रही होगी। यह है टीचर की डेस्क और यह है आपकी टेबलों से बनी हुई कतारें। आपकी कक्षा में अब एक गेंद को एक टेबल से दूसरी टेबल की ओर फेंका जाएगा। आपके टीचर आपको बताएंगे कि गेंद कहां से कहां फेंकनी है। आइए अब टीचर को बुलाते हैं। बच्चों, गेंद को पहली कतार की पहली टेबल से तीसरी कतार की पांचवी टेबल की ओर फेंको। अब गेंद को तीसरी कतार की पांचवी टेबल से चौथी कतार की दूसरी टेबल पर फेंको। बहुत बढ़िया। अब गेंद को चौथी कतार की दूसरी टेबल से पांचवी कतार की पांचवी टेबल पर फेंको। धन्यवाद टीचर जी। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, मैं चला। तो आपने यहां देखा कि टीचर ने कतार और टेबल के नंबर बता के वह बिंदु बता दिया जहां तक गेंद फेंकनी है। आप कहेंगे कि टीचर बच्चों के नाम लेके भी उनको बता सकते थे। हाँ, पर हर क्लास में बच्चों का नाम अलग अलग होता है, इसलिए यह तरीका बेहतर है। गणित और विज्ञान में हम इस सिस्टम को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कक्षा 9 में आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा कि आपने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम बिंदुओं की स्थिति उसके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक द्वारा व्यक्त करते हैं। इस पाठ में हम निर्देशांक ज्यामिति का ही अध्ययन और गहराई से करेंगे। ऊपर के उदाहरण में अगर आपसे कहा जाए कि गेंद के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ज्ञात करिए, तो आप कैसे करते? आप गेंद की हर स्थिति के बीच दूरी निकाल के उन सबको जोड़ते। यह कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम कुछ नए नियम पढ़ेंगे और देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने में कैसे होता है। आइए देखते हैं।